आज हम प्लांट डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, प्लांट डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले देखेंगे प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड रहता है. बॉटनी में प्लांट जो है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इतने सारे ग्रुप आते हैं. थैलोफाइटा में एल्गी एंड फंजाई आता है, और एंजियोस्पर्म जो है उसमें मोनोकॉट और डायकॉट दो भागों में उसको डिवाइड किया जाता है. ठीक है, बहुत सारे हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे प्लांट्स, टाइप ऑफ प्लांट्स पाया जाता है. ठीक है, इतना सारा होता है, जैसे हम लोग 4 लाख तक टाइप का स्पेसिस पाया गया है, 4 लाख टाइप ऑफ प्लांट्स देखा गया है. उसमें 3 लाख तो ऐसा है जो कि एंजियोस्पर्म में आता है. ठीक है, तो इतने सारे प्लांट्स को, इतना डाइवर्सिटी है, तो इतने सारे प्लांट्स का कैरेक्टर को पढ़ना और आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है. ठीक है, तो इतने सारे प्लांट्स को स्टडी करने के लिए कुछ सेमी टेक्निकल लैंग्वेज का यूज किया गया है, जिससे कि प्लांट्स को, बहुत सारे प्लांट्स को एक ग्रुप में डिवाइड करने से उस कैरेक्टर से उस पूरे ग्रुप को पहचान कर सकते हैं. ठीक है, तो बेंथम एंड हुकर, उसने 3 भागों में डायकॉट प्लांट्स को डिवाइड किया. ठीक है, एक है पॉलीपेटली, दूसरा गैमोपेटली, थर्ड है मोनोक्लेमाइडी. पॉलीपेटली में ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जिसके पेटल, जिसका पेटल, पेटल मतलब फ्लावर के पंखुड़ी, फ्लावर का जो पेटल होता है, ये सब जब अलग अलग रहता है, पूरे फ्लावर में हर पेटल को हम अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग दिखता है. ठीक है, उसको हम बोलेंगे पॉलीपेटली, मतलब अलग अलग, एक दूसरे से अलग अलग अरेंज रहता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेटली. गेमोपेटली, गेमोपेटली मतलब जो पेटल्स आपस में जुड़ा हुआ, पेटल आपस में जुड़ा हुआ, जैसे धतुरा, धतुरा के प्लांट्स आप लोग देखे हैं कि एकदम जुड़ा हुआ रहता है, बाहर ऊपर जाके फ्री होता है ना, तो ऐसे जुड़े हुए जो पेटल होता है उसको गेमोपेटली में रखा गया. और एक टाइप का ग्रुप है जिसको हम बोलेंगे मोनोक्लेमाइडी. मोनोक्लेमाइडी में किस टाइप के प्लांट्स को रखा गया, जिसमें कैलिक्स एंड कोरोला अलग नहीं दिखता, दोनों एक सेम टाइप के, उसमें डिफरेंसिएशन नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे कैलिक्स लीफ में जो ग्रीन वाला पार्ट फ्लावर में सबसे बाहर रहता है उसको कैलिक्स बोलेंगे, उसके अंदर पेटल रहता है, कोरोला बोलते हैं जिसको. कैलिक्स एंड कोरोला दोनों को हम डिफरेंस नहीं कर सकते, देख के सेम ही टाइप का लगता है, ज्यादातर ग्रीन कलर का ही होता है ये. ठीक है, तो इस टाइप का जो ग्रुप है उसको मोनोक्लेमाइडी में रखा गया. ठीक है, पॉलीपेटली जिसमें पेटल्स अलग अलग, गेमोपेटली जिसमें पेटल्स जुड़ा हुआ, और मोनोक्लेमाइडी जिसमें सेपल एंड पेटल सेम टाइप का दिखता है, पता नहीं चलता. ठीक है, तो तीनों में बहुत सारे प्लांट्स को रखा है, बहुत सारे ग्रुप को रखा गया है, लेकिन हमारे बीएससी में जितने ग्रुप है सिलेबस में उसी को दिखाया गया. ठीक है, इसमें जैसे पॉलीपेटली में बहुत सारे ग्रुप, सब फैमिलीज को रखा गया, जैसे रेनन कुलशी, ब्रैसिकेशी, मालवेसी, रोटेशी, एपिएशी, फैबेशी. ठीक है, और गेमोपेटली में एकेंथेसी, एपोसाइनेसी, सोलेनेसी, एस्क्लेपियडेसी और लैमिएसी. मोनोक्लेमाइडी में 2 ग्रुप रखा गया है, चिनोपोडिएसी और यूफोरबिएसी. ठीक है, ये पूरा था डायकॉट का, डायकॉट को 3 भागों में बांटा गया, और मोनोकॉट्स को 2 भागों में, लिलिएसी और पोएसी. लिलिएसी में आता है प्याज, लहसुन, ये सब चीजें आता है, और पोएसी में आता है ग्रेस, धान, चावल, सुगर केन. ठीक है, मेज, भुट्टा, ये सब चीजें आता है. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पॉलीपेटली में जितना आता है, हमको ये याद रखने के लिए बहुत ही मुश्किल प्लांट किंगडम होता है याद रखना, लेकिन याद रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर फैमिली से एक एक ऐसे प्लांट्स को एग्जाम्पल के रूप में लेना पड़ेगा जिसके बारे में हम जानते हैं. ठीक है, उससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आने लगता है. जैसे रैनन कुलशी में आता है रैनन कुलशी के बारे में हम लोग उतना नहीं जानते, ज्यादातर जंगली वीड्स जो है इसमें आता है. लेकिन ब्रैसिकेसी में आता है मस्टर्ड, मतलब सरसों. ठीक है, सरसों, मूली, टर्निप और कैबेज, ये सब चीजें उसमें आता है. लेकिन मस्टर्ड, सरसों एक ऐसा एग्जांपल है जिसके बारे में हम लोग ज्यादातर सभी लोग देखे हैं सरसों. तो ब्रैसिकेसी फैमिली के बारे में जब पढ़ेंगे तो सरसों याद रखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट हम लोग अपने आप लिख सकते हैं. ठीक है, मालवेसी में आता है चाइना रोज, गुड़हल,
गुड़हल को याद रखेंगे तो मालवेसी के बारे में भी हम लोग कुछ कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। रूटेसी में आता है नींबू, नींबू वाले पूरे फैमिली रूटेसी में आता है, ठीक है। एपिएसी में आता है धनिया, धनिया, ठीक है। और फैबेसी जो है उसको लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं, उसमें तीन भाग है, एक माइमोसाइडी, पेपिलियोनेसी और सिसल पिनाइडी, तीन भागों में इसको बांटा गया, ठीक है। माइमोसाइडी में आता है माइमोसा पुडिका, मतलब छुई मुई, छुई मुई वाला जो है प्लांट्स वो माइमोसाइडी में आता है, उसके बारे में थोड़ा सा याद करेंगे तो माइमोसाइडी आ जाएगा। पेपिलियोनेसी में आता है मटर, बीन्स, बरबट्टी, ये सब चीजें आता है पेपिलियोनेसी में, ठीक है। और सिसल पिनाइडी में आता है टमारिन, मतलब इमली। इतने सारे ग्रुप हमारे हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स को मैं ली हूँ जिसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सब जानते हैं, जैसे मस्टर्ड, सरसों, गुड़हल, लेमन, नींबू, कोरिएंडर, धनिया, ये सब चीजें, ठीक है। ऐसे इसमें आता है एकेंथेसी, एकेंथेसी में आता है एकेंथस, एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी में क्या आता है नेरियम, नेरियम मतलब कनेर, कनेर का प्लांट्स जो है इसमें आता है, येलो कलर का कनेर का प्लांट। सोलेनेसी में आता है धतूरा, धतूरा, पोटेटो, ये सब सोलेनेसी में आता है। एस्क्लेपियडेसी में आता है कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस को क्या बोला जाता है आक, वो प्लांट्स आता है, ठीक है। लैमिएसी में आता है तुलसी। इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल देने से क्या होता है, थोड़ा पढ़ने से ही बाकी कैरेक्टर के बारे में हम उसको लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी याद हो जाता है उस प्लांट्स के बारे में सोचेंगे तो, ठीक है। अब देखते हैं इसमें मोनोक्लेमाइडी में सिनोपोडिएसी, सिनोपोडिएसी में आता है बीटरूट और स्पिनेच, पालक। यूफोरबिएसी में आता है फाइलेंथस, आंवला, आंवला फैमिली यूफोरबिएसी में आता है, ठीक है। और मोनोकोटिलेडन में लिलिएसी में आता है ऑनियन, गार्लिक, प्याज, लहसुन। और पोएसी और ग्रामिनी में आता है धान, गेहूं, भुट्टा, ये सब चीजें आता है, सीरियल प्लांट्स आता है, ठीक है। इस टाइप से सबसे पहले हम जो फैमिली डिस्क्रिप्शन शुरू करेंगे तो इसके बारे में हमको लिखना है। सबसे पहले हम देखेंगे, एक फैमिली को हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले क्रूसीफेरी और ब्रैसिकेसी, जिसमें आता है सरसों, ठीक है। तो सरसों के प्लांट्स के बारे में हम लोग जब देखेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या क्या एग्जांपल आता है, जैसे रेडिस, टर्निप, कैबेज, कॉलीफ्लावर, फूलगोभी, बंधा गोभी, सलगम, फिर मूली, ये सब चीजें इसमें आता है, ठीक है। तो इस सबसे पहले कोई भी प्लांट डिस्क्रिप्शन हम शुरू करेंगे सबसे पहले देना पड़ता है हैबिट, हैबिट मतलब किस टाइप का प्लांट है, हर्ब होता है, सर्ब होता है या ट्री। हर्ब मतलब छोटा सा प्लांट, जैसे तुलसी, तुलसी का प्लांट जो है इतने छोटे छोटे जो प्लांट्स होता है साकीय हर्ब को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। साकीय नरम टाइप का प्लांट्स होता है, छोटे छोटे साइज का होता है, उसको हम बोलेंगे हर्ब। कोई भी जैसे भाजी वाजी इसमें आता है। सर्ब मतलब मीडियम साइज का, जैसे गुआभा, ठीक है, अमरूद का प्लांट जो होता है, नींबू का प्लांट जो होता है मीडियम साइज का होता है, उसको हम बोलेंगे सर्ब। और ट्री मतलब जैसे आम जामुन का पेड़, बहुत बड़ा जो प्लांट्स होता है उसको ट्री बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसको हैबिट में आता है, तो हैबिट में सरसों के हैबिट में क्या आएगा, पंजेंट स्मेल बियरिंग एनुअल हर्ब, एनुअल मतलब एक वर्षीय, एनुअल मतलब एक वर्षीय, हर्ब मतलब छोटा सा प्लांट, तुलसी जैसा प्लांट, ठीक है। एक वर्षीय छोटा प्लांट और पंजेंट स्मेल मतलब बहुत ज्यादा स्मेल आता है, सरसों के प्लांट्स के बारे में हम लोग जानते हैं स्मेल आता है बहुत, ठीक है। वो ज्यादातर सल्फर का स्मेल आता है, एक टाइप के ग्लूकोसाइड्स होता है जिसमें कि सल्फर मिक्स रहता है, ठीक है। सो हैबिट में सबसे पहले हमको देना है कि एनुअल हर्ब, एक वर्षीय छोटा प्लांट्स। सभी प्लांट्स में हम लोग शुरू में जितने भी फैमिली का डिस्क्रिप्शन करेंगे हैबिट पहले देना पड़ता है, ठीक है, किस टाइप का हर्ब है, सर्ब है कि ट्री है, ऐसा। सेकंड में है रूट, डायकोट प्लांट जो होता है, जितने भी डायकोट प्लांट्स होते हैं उसमें टैप रूट पाया जाता है, ठीक है। टैप रूट मतलब क्या है, जैसे कोई भी सीड जर्मिनेशन होता है ऊपर प्लेम्यूल निकलता है जिससे कि प्लांट्स का ऊपर का भाग बनेगा और नीचे रेडिकल बनता है जिससे कि रूट्स बनता है, ठीक है। तो ये जो रेडिकल बनता है
इस रेडिकली जब नीचे की ओर चला जाता है मिट्टी के नीचे, इसको हम बोलेंगे मेन रूट और टैप रूट। ठीक है, तो ज्यादातर डायकोट, पूरे डायकोट प्लांट्स में ही टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, क्रूसीफेरी में भी टैप रूट पाया जाता है। स्टेम, स्टेम का कैरेक्टर हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले एरियल, एरियल मतलब सीधा, एरियल मतलब प्लांट जो है सीधा खड़ा होता है, सपोर्ट की जरूरत नहीं। ठीक है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब भी सीधा, ब्रांच बहुत सारा जो आसपास ब्रांचिंग पाया जाता है। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार, ऐसे जो स्टेम है वो बेलनाकार होता है, राउंडेड। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद है सिंपल लीफ, लीफ सिंपल होता है, लाइरेट, इसके शेप को लाइरेट से बोला जा रहा है, जो इस टाइप का जो शेप है लीफ का, सरसों के लीफ ऐसा होता है, इस टाइप का जो शेप होता है इसको हम बोलेंगे लाइरेट। ठीक है, सिरेट मार्जिन, सिरेट मार्जिन मतलब ये जो लीफ है इसके किनारा जो है ऐसा होता है, इसका जो मार्जिन होता है इस टाइप का होता है, इसको हम बोलेंगे सिरेट मार्जिन। इस टाइप का मार्जिन सरसों मूली इसके लीफ में देखा जाता है। ठीक है, एरियल, इरेक्ट, ब्रांच, सिलेंड्रिकल, सॉलिड, ग्लैबरस और हर्बेसियस। हर्बेसियस मतलब नरम होता है छोटा। ये था स्टेम हो गया। इसके बाद लीप, लीप में क्या लिखा हुआ है, एक स्टिप्यूलेट, एक स्टिप्यूलेट मतलब स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं है। स्टिप्यूल मतलब क्या है, ये जो लीप है उसके एक्सिस से छोटे छोटे लीप लाइक स्ट्रक्चर का निकलना, ये जो लीप है लीप के एक्सिस से छोटा छोटा लीप लाइक स्ट्रक्चर बहुत से प्लांट्स में निकलता है, इस प्लांट्स में नहीं निकलता है, इसलिए क्या बोलेंगे हम, एक स्टिप्यूलेट। स्टिप्यूलेट मतलब छोटे छोटे लीप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है इसके एक्सिस से, और एक स्टिप्यूलेट मतलब नहीं निकलता, इसमें नहीं है इसलिए हम क्या लिखे हैं, एक स्टिप्यूलेट। सेसाइल, सेसाइल मतलब जैसे लीफ है, लीफ का कोई डंडल नहीं रहता, लीफ डायरेक्ट स्टेम से निकला है। ठीक है, ऐसे जब लीफ का डंडल रहता है इसको हम बोलेंगे पेटियोल, पेटियोलेट, लेकिन इसके लीप में कोई डंडल नहीं है इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, सेसाइल लीप। लीप सेसाइल होता है, स्टिप्यूल एब्सेंट रहता है इसलिए एक स्टिप्यूल है। सिंपल लीप, लाइरेट, सिरेट, लाइरेट मतलब इसका शेप जो है लाइरेट, सिरेट मार्जिन मतलब हम लोग देखे हैं इसके लीप का मार्जिन जो होता है ऐसे रहता है पॉइंटेड, इसको हम बोलेंगे सिरेट। हो गया, अब हम देखेंगे इन्फ्लोरेंस। इन्फ्लोरेंस मतलब ऊपर के जो फ्लावर जो है इसका अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, ये होता है टिपिकल रेसिम, रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेंस। हम ब्रांचिंग पैटर्न के बारे में पहले बोल चुके हैं, उसमें रेसिमोस एंड साइमोस के बारे में समझाया गया था। ठीक है, रेसिमोस में क्या होता है, बहुत सारे गुच्छे में फ्लावर होता है लेकिन नीचे ओल्ड ओल्ड लीफ रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे जितना ऊपर की हम जाएंगे उसमें बाद में फ्लावर बनता जाता है। ठीक है, सबसे ओल्ड फ्लावर नीचे रहेगा और मेन एक्सिस बढ़ता ही जाता है, इरेगुलरली मतलब बढ़ता, अनियमित रूप से मेन एक्सिस बढ़ता ही जाता है, और लीफ भी जो है फ्लावर भी है जो ओल्ड फ्लावर नीचे और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे तो नए 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 फ्लावर बड्स बनता जाता है। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं रेसिमोस, जिसका इन्फ्लोरेंस जो है रेसिमोस टाइप होता है। ठीक है, सबसे पहले हैबिट के बारे में बोलेंगे हम, एनुअल हर, उसके बाद रूट बोलेंगे टैप रूट सिस्टम, स्टेम बोलेंगे एरियल, इरेक्ट, ब्रांच, सिलेंड्रिकल, सॉलिड, ये सब है। उसके बाद लीफ जो है वो सिरेट होता है, सिंपल लीफ होता है और एक स्टिप्यूल, स्टिप्यूल नहीं प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इन्फ्लोरेंस में रेसिमोस, टिपिकल रेसिमोस टाइप इन्फ्लोरेंस होता है। ये है मेन स्टेम, इसमें इस टाइप का लीफ अरेंजमेंट रहता है, ऊपर ऐसे फ्लावर, ये है लीफ का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके एक्सिस से जो ब्रांचेस निकलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिलरी ब्रांच। ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है स्टेम का। अब फ्लावर के बारे में देखेंगे, ई ब्रैक्टेट, जिन पत्तियों के एक्सिस से फ्लावर निकलता है उसको ब्रैक्ट बोलते हैं। पत्तियों के एक्सिस से जब फ्लावर निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रैक्ट, लेकिन पत्तियों के एक्सिस से फ्लावर इसमें नहीं निकलता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टेट मतलब ब्रैक्ट एब्सेंट, ब्रैक्ट नहीं पाया जाता। पेटिसिलेट, पेटिसिलेट मतलब
फ्लावर के डंडल रहता है, ये जो फ्लावर है इसके डंडल को बोलते हैं पेडिसिलेट, पेडिसिल। लीप के डंडल को पेटियोल, फ्लावर के डंडल को पेडिसिल। तो इसमें फ्लावर में डंडल है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों पाया जाता है, ठीक है, फ्लावर में दोनों पाया जाता है। कॉम्प्लीट, कॉम्प्लीट उसी को बोलेंगे जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम चारों पाया जाता है। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है, जैसे थैलेमस है, ठीक है, पेडिसिल, और इसके ऊपर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम चारों पाया जाता है, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है, थैलेमस के ऊपर ओवरी पाया जाता है, उसको हम बोलेंगे हाइपोगाइनस। जब बीच में ऐसे थैलेमस में ओवरी जो है आधा थैलेमस में आधा ऊपर, तब इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिगाइनस। और जब पूरी तरह से थैलेमस में ही ओवरी रहता है, फ्यूज्ड रहता है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, एपिगाइनस, ठीक है। इसमें थैलेमस के ऊपर ओवरी है इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, जैसे फ्लावर है, ठीक है, इस फ्लावर को जब हम काटेंगे ऐसे आधा करके, तो दोनों साइड में सेम भाग में बटेगा, दोनों साइड में दो पेटल है, इसमें भी दो पेटल है, इसमें गाइनोसियम भी दो भागों में बट जाएगा, एंड्रोसियम भी दो, सेम सेम दो भागों में बटने से उसको हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। जब फ्लावर को बीच से काटेंगे तो दोनों साइड में सेम सेम भाग रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। क्रूसीफॉर्म टेट्रामेरस, टेट्रामेरस मतलब चार, क्रूसीफॉर्म मतलब जैसे सरसों जो रहता है इसमें इस टाइप से पेटल रहता है, चार क्रॉस में रहेगा, ऐसा और ऐसा क्रॉस में है इसलिए हम बोलेंगे क्रूसीफॉर्म, ठीक है। टेट्रामेरस, टेट्रा मतलब चार, चार कैलिक्स, चार कोरोला पाया जाता है इसलिए टेट्रामेरस हो गया। फ्लावर को देख लेते हैं एक बार, ई ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट एब्सेंट है इसलिए ब्रैक्टिएट। पेडिसिलेट मतलब ऐसे पेडिसिल पाया जाता है। बाइसेक्सुअल मतलब एंड्रोसियम गाइनोसियम पाया जाता है। कॉम्प्लीट मतलब कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम चारों पाए जाते हैं इसलिए कॉम्प्लीट। हाइपोगाइनस मतलब थैलेमस के ऊपर ओवरी रहता है। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब जैसे आधा करके काटेंगे तो दोनों साइड सेम भागों में बटेगा, ठीक है। क्रूसीफॉर्म, क्रूसीफॉर्म मतलब क्रॉस में पाया जाता है कैलिक्स, कोरोला, ठीक है। और टेट्रामेरस मतलब चार, ये था फ्लावर। अब कैलिक्स, कैलिक्स भी चार होता है, कोरोला भी चार होता है, ठीक है। कैलिक्स भी ऐसा ही होता है, चार भागों में ऐसे बटा होता है। और पॉली, पॉली मतलब सब अलग अलग, हर पेटल ऐसे जुड़ा नहीं है, अलग अलग है, इसलिए पॉली सेपल्स, इसको सेपल बोलते हैं कैलिक्स को, ठीक है, कोरोला को पेटल, तो कैलिक्स इसको पॉली सेपल्स बोलेंगे। क्रूसीफॉर्म, क्रॉस में है। वेल्वेट एस्टिवेशन, हर चीज जो है अलग अलग है, एक पॉइंट पे जुड़ा है, इसको वेल्वेट एस्टिवेशन बोलेंगे, ठीक है। कोरोला में भी पेटल चार होते हैं, पॉली पेटिलस, सेम कैलिक्स कोरोला दोनों एक ही टाइप के होते हैं, दोनों अलग अलग। क्रूसीफॉर्म, क्रॉस में है, और वेल्वेट एस्टिवेशन। अब एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में क्या होता है, स्टेमेंस छे। एंड्रोसियम हम किसको बोलेंगे, इसको कैलिक्स बोलेंगे, इसको कोरोला बोलेंगे, ये जो स्टेमेंस है इसको एंड्रोसियम बोलेंगे, ठीक है। ऊपर एंथर, फिलामेंट, और ये बीच में कनेक्टिव, ठीक है। तो ये रहता है छे, चार लंबे और दो छोटा रहता है, इसमें यहाँ चार ही दिख रहा है लेकिन और दो रहता है, चार लंबे रहते हैं और दो छोटा रहता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, टेट्रा डायनेमस। इस टाइप के छह जब रहेगा, चार अलग दो अलग, तो टेट्रा डायनेमस बोलेंगे, ठीक है। पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस मतलब हर स्टेमेन अलग अलग फ्री, ठीक है। इंट्रोस, इंट्रोस का मतलब क्या है, अंदर, जैसे फ्लावर रहता है ऊपर से दिखता नहीं है, ढक जाता है अंथर, उसको हम बोलेंगे इंट्रोस, ठीक है। और ये जो स्टेमेंस है इसके नीचे नेक्टर ग्लैंड पाया जाता है, नेक्टर ग्लैंड पाया जाता है, उसमें शहद पाया जाता है, ठीक है, शहद वाला ग्लैंड पाया जाता है, हो गया। और उसके बाद क्या है, डाइथिकस बेसिफिक्स। डाइथिकस मतलब ये दो भागों में, ऊपर का भाग जो है दो चेम्बर रहता है इसमें एंथर में, इसको डाइथिकस बोलेंगे, ठीक। इसके बेस से फिलामेंट निकलता है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, बेसिफिक्स्ड, ठीक है। बेस से जब निकलता है बेसिफिक्स बोलते हैं। ये हो गया एंड्रोसियम। अब गाइनोसियम, गाइनोसियम में क्या होता है, बाइकार्पिलरी। बाइकार्पिलरी मतलब
दो भागों में बटा हुआ है. एंड्रोसियम जो है गाइनोसियम दो भागों में बटा है, उसको बोलेंगे बाई कार्पिलरी. ठीक है, उसके बाद क्या है ओवरी जो है सुपीरियर. सुपीरियर हम पहले ही देखे थे यूनिलोक्यूलर. पहले यूनिलोक्यूलर रहता है मतलब पहले इसका एक ही लोक्यूल रहता है, एक ही चेम्बर रहता है. बाद में क्या होता है फॉल्स सेप्टम बन जाता है. तो बीच में एक ऐसी पतला झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर हम लोग देखे होंगे सरसों के फल में. सरसों के फल को जब हम निकलते हैं देखते हैं बीच में पतला झिल्ली, वो फॉल्स सेप्टम बोलते हैं. फॉल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि नीचे का जो थैलेमस है वो ही आगे बढ़ के इस पतला सा झिल्ली बनाता है. ठीक है, इसलिए फॉल्स सेप्टम बोला जाता है. इसलिए बाइलोक्यूलर हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है. फॉल्स ऐसा यूनिसेलुलर ही है, यूनिलोक्यूलर है, लेकिन बाद में पतला सा मेम्ब्रेन बनने के कारण दो भागों में बढ़ जाता है, बाइलोक्यूलर हो जाता है. ठीक है, और इसको बोलेंगे पेराइटल प्रेजेंटेशन. पेराइटल प्रेजेंटेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि पेराइटल साइड से प्रेजेंटा से जुड़ा हुआ रहता है ओव्यूल. ओव्यूल पेराइटल भागों से निकलता है इसलिए हम बोलेंगे पेराइटल प्रेजेंटेशन. ठीक है, ऐसा गाइनोसियम जो है बाई कार्पिलरी दो भागों में बटा होता है. सिनकार्पस जुड़ा हुआ ओवरी सुपीरियर थैलेमस के ऊपर. यूनिलोक्यूलर एक ही लोक्यूल रहता है लेकिन बाद में बाइलोक्यूलर हो जाता है बीच में फॉल्स सेप्टम के कारण. इसको बोलेंगे हम रेप्लम, पतला मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर को रेप्लम बोलते हैं. पेराइटल प्रेजेंटेशन पेराइटल भागों से ओवरी निकलता है तो पेराइटल प्रेजेंटेशन. ठीक है, हो गया. थैलेमस के ऊपर है और इसको बोलेंगे पेडिसिल. फ्लावर का जो डंडल होता है उसको पेडिसिल बोला जाता है. हो गया, अब ये एंथर था, ये भी ओवरी था, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा. एंथर को क्या बोलेंगे, एंथर फिलामेंट और बीच में कनेक्टिव. ठीक है, ये है, ये दो भागों में बढ़ गया गाइनोसियम, बीच में स्टाइल, ऊपर स्टिग्मा. और ये है ओवरी, जैसे ओवरी को सेक्शन करेंगे तो ऐसा दिखेगा टीएस ओवरी. पेराइटल प्रेजेंटेशन और बीच में फॉल्स सेप्टम बन गया ओवरी का वॉल. ठीक है, अब मेन चीज जो आता है इसमें वो है फ्लोरल डायग्राम. फ्लोरल डायग्राम को थोड़ा कई बच्चे को बहुत मुश्किल लगता है. ये है मेन एक्सिस, ये ऊपर का जो भाग है ये है मेन एक्सिस. ठीक है, ठीक मेन एक्सिस के नीचे पॉइंट होना चाहिए. ये है कैलिक्स, बाहर का जो लेयर है वो है कैलिक्स. और ये है कोरोला, ये एंड्रोसियम और बीच में गाइनोसियम, ऐसे बनाया जाता है. ठीक, ये मेन एक्सिस, मेन एक्सिस के नीचे पॉइंट होगा. तो ये चार होता है, चार कोरोला क्रॉस में पाया जाता है ऐसे ऐसे, इसलिए इसको बाहर बनाया गया है. ठीक है, कैलिक्स. उसके बाद ये है कोरोला, कोरोला भी चार है, वेल्वेट एस्टिबेशन है, एक पॉइंट पे जुड़ा हुआ रहता है, वेल्वेट एस्टिबेशन बोलेंगे. ठीक है, छह एंड्रोसियम रहता है, चार लंबा और दो छोटा. ठीक है, एंड्रोसियम. और ये है गाइनोसियम, बाइलोक्यूलर पेराइटल प्रेजेंटेशन. ठीक है, इस टाइप से इसको बनाना पड़ता है. और इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको बोलेंगे फ्लोरल फॉर्मूला. फ्लोरल डायग्राम बोलते हैं इसको, फ्लोरल फॉर्मूला. ई ब्रैक्टेट, ब्रैक्ट एब्सेंट. पहले मैं बताई थी कि ब्रैक्ट एब्सेंट होता है. ब्रैक्ट किसको बोलेंगे, जिस पत्ती के एक्सिस से, पत्ती के एक्सिस से जब कोई फ्लावर निकलता है उसको ब्रैक्ट बोलते हैं. ब्रैक्ट एब्सेंट इसलिए ई ब्रैक्टेट. ठीक है, यह एक्टिनोमॉर्फी. एक्टिनोमॉर्फी किसको बोले थे हम, जब बीज से काटेंगे तो दोनों भागों में समान समान, इसको बीज से काटेंगे तो दोनों भागों में समान समान भागों में बटेगा, इसको एक्टिनोमॉर्फी. बाइसेक्सुअल, एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट. कैलिक्स 2+2, इसको कैलिक्स बोलेंगे, दो और दो क्रॉस में पाया जाता है इसलिए ऐसे लिखा गया है. कोरोला भी सेम, चार, एक दो तीन चार कोरोला. एंड्रोसियम 2+4, एंड्रोसियम में 2 छोटा और 4 बड़ा, 2+4. गाइनोसियम दो भागों में बटा हुआ है बाइकार्पिलरी, इसलिए ऐसा है. ये सुपीरियर ओवरी, जब सुपीरियर ओवरी होता है तो नीचे ऐसे लाइन खींचते हैं, जब इंफीरियर ओवरी होता है वो ऊपर खींचेंगे. ठीक है, हो गया. अब हम देखेंगे थोड़ा सा इसका मेडिसिनल यूज. इसके मेडिसिनल यूज में कुछ स्पेसीज ऐसे हैं बहुत ज्यादा, सब्जियों के रूप में तो खाते हैं हम जानते हैं, मूली, कैबेज, फूलगोभी, बंधा गोभी, सलगम सब खाते हैं, सब इसमें आता है. ठीक है, सरसों. तो अब मेडिसिन के रूप में भी बहुत सारे इसके स्पेसीज, क्रूसिफेरी के स्पेसीज यूज होते हैं. जैसे हेलिमा, उसको बोलते हैं लेपिडम सेटाइवम, वो यूजफुल होता है लिवर डिजीज में, लिवर डिजीज में काम आता है. और एक है नूपकरण, ये
इसको हम क्या बोलेंगे सिसिम्ब्रियम इरियो. इसका जो लीफ होता है वो स्कर्बी डिजीज में यूज होता है, स्कर्बी डिजीज में यूज होता है. वॉल फ्लावर चिरेंथस चिरी, फीवर में, कफ में, सर्दी में, पैरालिसिस में इसका यूज किया जाता है दवाई के रूप में. ठीक है. तारहा उसको क्या बोलेंगे हम नास्टरियम इंडिका, वो यूज फिल होता है किसमें एस्थेमा में. और एक है कैंडिटप्ट, उसको हम क्या बोलेंगे इबिरिस आम्रा, वो आर्थराइटिस में यूज किया जाता है. ठीक है. ये था इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. इस टाइप से क्रूसीफेरी फैमिली जो है वो कंप्लीट होता है. ठीक है. प्लांट डिस्क्रिप्शन में इसी टाइप से सभी प्लांट्स को इसी टाइप से डिस्क्राइब करना पड़ेगा, हैबिट से शुरू करके एंड्रोसियम गाइनोशियम, उसके बाद इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस.